वेलकम स्टूडेंट्स इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसे एल डोराडो रिटन बाई आर एल स्टीवनसन सो एल डोराडो मीन्स इमेजिनरी लैंड ऑफ फैबिलस गोल्ड एल डोराडो का मतलब क्या होता है एक काल्पनिक जगह जहाँ पर बहुत ही अधिक गोल्ड पाया जाता हो ठीक है बट इन दिस ऐसे इट्स सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ एल डोराडो इज अनअटेनेबल समथिंग विच इज अनअटैनेबल अनअटैनबल मीन्स अन अप्रोचेबल यानी कि जिसको पाया ना जा सके दैट इज कॉल्ड अनअटैनेबल ओके यहाँ पर आप इसको एल डोराडो भी कह सकते हैं जिसको आप पा ना सको ठीक है सो यू नो आर एल स्टीवनसन द ऑथर ही वॉज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग उनको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी ठीक है एंड इन दिस ऐसे ही एक्सप्लेन्स हिज फिलोसॉफी ऑफ ट्रैवलिंग और यहाँ ये जो ऐसे वो है ये इसी बारे में है ये अपने ट्रैवलिंग के बारे में जो भी उनकी फ़िलोसॉफी है वो हमें बताते हैं ठीक है थीके? ये बेसिकली एक बहुत फ़िलोसॉफिक टाइप का ऐसे है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी बातें ये आर एल स्टिवनसन हमें इस ऐसे में बता रहे हैं और कंक्लूजन जो पार्ट है इसका वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आर एल स्टीवनसन कहते हैं दैट इट इज़ बैटर टू ट्रैवल होप फुली दैन टू अराइव यानि कि होप के साथ ट्रैवल करना बेहतर होता है किस चीज़ से किसी जगह पर पहुँचने से ज़्यादा अच्छा होता है ना दैट मीन्स रास्ते जो होते हैं वो मंजिलों से बेहतर होते हैं ओके नाउ लेट बिगिन द टेक्स्ट इट सीम्स एज इफ अ ग्रेट डीलवर अटैनेबल इन अ वर्ल्ड वेयर देर आर सो मैनी मैरिजेस

और कंक्लूसिव ठीक है मीनिंग्स आपको बता देते हैं पहले गस्टो गस्टो यू कैन से विद एंथ्यू विद ग्रेट एंथ्यू ओके थ्रू अ पोर्शन ऑफ विक्चुअल्स यहाँ फूड के लिए आया है बैग विच एंड द बैग विच कंटेन्स अस ह्यूमन बॉडी के लिए आया ओके नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस ऑथर सेज दैट इट सीम्स एज इफ

कि ऐसा प्रतीत होता है इट सीम्स मीन्स ऐसा प्रतीत होता है एज इफ अ ग्रेट डील वर अटेनेबल अटेनेबल मीन्स पाया जाना पाया जा सकने वाला ठीक है ऐसा ऑथर कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है हमें कि संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो कि पाने लायक है या फिर पाने योग्य है या फिर पाया जा सकता है अटेनेबल मीन्स जो पाया जा सके ओके इन अ वर्ल्ड वेयर देर आर सो मैनी मैरिजेस एंड डिस बैटल्स एंड वेयर वी आल ऑल एट सर्टन आवर ऑफ द डे एंड विद ग्रेट गस्ट टू एंड डेस्पैच थ्रू अ पोर्शन ऑफ विक्चुअल्स फाइनली एंड इटेबली इन टू बैग विच कंटेन्स अस इ सेज दैट इट सीम्स उनको ऐसा प्रतीत होता है कि संसार में बहुत कुछ पाया जा सकता है वेअर देर आर सो मैनी मैरिजेस एंड डिसिव और कंक्लूसिव बैटल्स ऐसा संसार जहाँ पर कि बहुत मैरिजिज uh, हो रही हैं एंड डिसिव बैटल्स या फिर निर्णायक युद्ध लड़े जा रहे हैं एंड वेयर वी ऑल एट अ सर्टन टाइम ऑफ द डे फिल अवर बॉडी विद फूड और ऐसे संसार में जहाँ हम दिन के किसी हिस्से में अपनी बॉडी को किससे भर रहे हैं फूड से ठीक है एक्चुअल यहाँ पर फूड के लिए आया है ठीक है

हम खाना खाते जा रहे हैं दिन के किसी एक हिस्से में यानी कि संसार में ऐसी इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं बहुत सारी मैरिजेज हैं बैटल्स हैं और दिन के किसी हिस्से में हम खाना भी खा रहे हैं दैट मीन्स संसार में ऐसा लगता है कि बहुत कुछ पाया जा सकता है दैट मीन्स इट ओनली सीम्स टू अस दैट देर आर सो मैनी थिंग्स अटेनेबल इन दिस वर्ल्ड कि संसार में इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि पाया जा सकता है ठीक है एंड इट वुड सीम ऑल्सो ऑन ए हेस्टी व्यू दैट द अटेनमेंट ऑफ एज मच एज पॉसिबल वॉज द गोल ऑफ मैं कंटेंशियस लाइफ नाउ एंड वेन वी लुक अराउंड अस हेस्टी लुक यानी जब अपने आसपास हम एक सरसरी निगाह से देखते हैं इट वुड सीम ऑल्सो दैट द वन एंड ओनली गोल ऑफ मैंस यू कैन से कंटेंशियस मीन्स कॉन्ट्रोवर्सवर्शियल ओके तो ये जो मैन uh, की कॉन्ट्रोवर्शियल लाइफ होती है विवादास्पद जिसको कहते हैं यानी uh, जिसमें बहुत सारे uh, मुश्किलें आती रहती हैं लाइफ में उसके उस लाइफ में अगर आप एक सरसरी निगाह से देखें तो हमें ये लगेगा कि जो वन एंड ओनली एम या फिर गोल जो आदमी का होता है वो क्या रहता है इस टू अटेन एज मच एज पॉसिबल यानी कि जितना हो सके पाया जा सके ठीक है आर एल स्टीवनसन कहना चाहते हैं कि वैन वी लुक अराउंड अस जब हम अपने आसपास देखते हैं इट वुड सीम ऐसा हमें लगेगा दैट द वन एंड ओनली गोल ऑफ अ मैन कि एकमात्र जो लक्ष्य इंसान का होता है वो क्या होता है टू अटैंड एज मच एज पॉसिबल कि जितना हो सके जितना संभव हो सकता है उतना पा लेना ठीक है एंड येट एज रिगार्ड द स्पिरिट दिस इज बट अ अम्बलेंस एंड येट इन रिगार्ड टू द स्पिरिट दिस इज ओनली अ सैम्बलेंस सेम्बलेंस में दिखावा या फिर आभास होना लेकिन एक्चुअली में क्या है ऐसा सिर्फ हमें लगता है ठीक है ऐसा सच में नहीं होता है क्योंकि ये इच्छाएं जो होती हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होती है ठीक है ऐसा कभी नहीं होगा कि हम सब कुछ पा लें ठीक है तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये हमें ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है कि हम बहुत कुछ पा सकते हैं लेकिन जब भी हम कोई एक लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं हमें दूसरा सामने दिखाई देने लगता है ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है ह्यूमन लाइफ का ठीक है वी लिव इन असेंडिंग स्केल वी लिव है अब वो कहते हैं कि ही सेज दैट वी लिव वी लिव इन असेंडिंग स्केल असेंडिंग होता है बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ वैन वी लिव हैप्पी लाइफ जब हम एक बहुत खुश खुशनुमा जिंदगी जी रहे होते हैं तो हम अपनी लाइफ में ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं ठीक है जैसे ही एक एम हम पा लेते हैं दूसरा सामने आने लगता है ठीक है एक चीज के बाद दूसरी चीज सामने आने लगती है और ये चीज एंडलेस होती है यानी कि इसका कोई अंत नहीं होता कोई एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी सामने आ जाती है ठीक है देर इज ऑलवेज अ न्यू होराइजन फॉर ऑनवर्ड लुकिंग मैन एंड ऑल दो ऑन अ स्मॉल प्लेनेट इमर्ज इन पैटी बिजनेस एंड नॉट एंड ड्यूरिंग बियॉन्ड अ ब्रीफ पीरियड ऑफ इयर्स वी आर सो कॉन्स्टिट्यूटेड दैट अवर होप्स आर इनएक्सेसिबल लाइक स्टार्स एंड द टर्म ऑफ होपिंग इज प्रोलॉन्ग्ड द टर्म ऑफ लाइफ बहुत ब्यूटीफुल लाइन सही है देर इज ऑलवेज अ न्यू होराइजन फॉर ऑनवर्ड लुकिंग मैन ही सेज दैट देयर इज ऑलवेज अ न्यू होराइजन होराइजन क्या होता है जहाँ पर हमें स्काई uh, और अर्थ जो है वो हमें uh, मिलते हुए दिखाई देते हैं एक्चुअल में नहीं मिलते ऐसा हमें लगता है उसको होराइजन कहते हैं है ना जहाँ पर आप uh, किसी खुली जगह पर अगर आप देखें तो वहाँ हमें आकाश और धरती मिलते हुए नजर आते हैं ठीक है और हमें लगता है कि शायद वही अंत है ठीक है उसको एक सीमा कहते हैं होराइजन को आप कह सकते हो एक लिमिट जो हमें दिखाई देने लगती कि जहां है कि जहाँ पर हाँ ये एंड है यहाँ उस सेंस में ऑथर हमें कह रहे हैं कि देर इज़ ऑलवेज अ न्यू होराइजन फॉर अ फॉरवर्ड लुकिंग मैन कि आगे या जो प्रगति करने वाला इंसान है आगे बढ़ने वाला जो इंसान है उसको हमेशा नए नए होराइज़न मिलते रहते हैं होराइज़न यहाँ पे एक लिमिट के लिए आया है कि जब आप उस एक जगह पर पहुँचोगे जहाँ आपको लगता है कि होराइज़न है वो उस चीज़ का होराइज़न यानी जहाँ पर आपको धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं बट आप उस जगह पर कभी भी पहुँच नहीं पाते हो क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो जगह आगे दूर होती हुई दिखाई देने लगती है ठीक है अब वो कहते हैं कि एक आगे बढ़ते हुए इंसान के लिए हमेशा नए नए होराइजन्स उसकी लाइफ में आते रहते हैं है ऑल दो यद्यपि ऐसा है वी ड्वेल ऑन अ ड्वेल मीन्स रहना ओके वी लिव ऑन अ स्मॉल पैनेट हालांकि क्या है कि हम कहाँ पर रह रहे हैं हम बहुत ही छोटे से प्लैनेट पे रह रहे हैं ठीक है इमर्स्ड इन हम किस में बिजी हैं बेतु की चीजों में हम बिजी भी रहते हैं एंड नॉट एंड बियॉन्ड अ ब्रीफ पीरियड ऑफ इयर्स एंड आवर लाइफ स्पान इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट हमारे जो जीवन काल है वो भी बहुत छोटा होता हैसेसिबल बट वी आर मेड इन दैट मैनर दैट आवर होप्स आर इनएक्सेसिबल इनएक्सेबल यानी जिसको अप्राप्य जिसे कहते हैं ना जो पाया ना जैसे कि वो कहते हैं कि हालांकि हम बहुत छोटे से प्लानट पर रहते हैं हम बहुत ही यूजलेस थिंग्स में इन्वॉल्व भी रहते हैं और हमारा जीवन काल भी बहुत छोटा होता है लेकिन एक चीज़ है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती वो और जिसको हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते वो क्या है होप्स हैं ये लाइफ में कभी भी खत्म नहीं हो सकती हमेशा एक के बाद दूसरी सामने आने लगती हैं ठीक है एंड टर्म ऑफ होपिंग प्रोलोंग्डिल द टर्म ऑफ लाइफ एंड वी नेवर स्टॉप होपिंग वी लिव यानी कि जब तक हम जीते हैं तब तक हम होप करना नहीं छोड़ते राइट जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हमारी होप्स भी जिंदा रहती है और ये हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहती है टू बी ट्रूली हैप्पी इज अ क्वेश्चन ऑफ़ हाउ वी बिगिन एंड नॉट टू ऑफ हाउ वी एंड ऑफ वॉट वी वॉन्ट एंड नॉट ऑफ वॉट वी हैव भी बहुत ब्यूटीफुल लाइन है देखिए नेक्स्ट ही टेल्स द रीडर इन अ फिलोसॉफिक वे दैट टू बी ट्रूली हैप्पी इज अ क्वेश्चन ऑफ ऑफ हाउ वी बिगिन एंड नॉट ऑफ हाउ वी एंड जो uh, ट्रू हैप्पीनेस है वो किस बारे में होती है वो इस चीज़ में नहीं है कि हम अंत कैसा करते हैं इट्स इट्स अबाउट हाउ वी बिगिन कि हम शुरुआत कैसे करते हैं राइट एंड इट इज़ नॉट अबाउट वॉट वी हैव इट इज़ अबाउट वॉट वी वॉन्ट ये जो आ, सच्ची खुशी किसमें मिलती है ये उसमें नहीं है जो हमारे पास है बल्कि उसमें है जो हम पाना चाहते हैं राइट right? जब किसी आदमी के पास लाइफ में कोई एम नहीं रहता है, तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाता है राइट जब हमारे पास होप है या फिर किसी तरह का एम हमारी लाइफ में है सिर्फ वो ही हमें जीने की एक वजह देता है इच्छाएं होती है वो हमेशा के लिए हमें खुशी दे जाती हैं, ठीक है लैंडेड पजेशन है हमारा यानी कि एक विरासत की तरह होती है हमारे लिए क्या चीज़ एस्पिरेशन इच्छाएँ ठीक है अ फॉर्च्यून विच वी कैन नेवर एग्जॉस्ट एक ऐसा धन है जिसको हम कभी भी एग्जॉस्ट uh, यानी जिसको हम uh, खर्च हमेशा के लिए नहीं कर जो ख़त्म नहीं होगा हमारे लिए ठीक है एंड विच गिव्स अस ईयर बाय ईयर अ रेवेन्यू ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटी और जो हमें हर uh, यर के साथ साथ हमें क्या देता रहता है एक इनकम देता रहता है किस चीज़ की प्लेजरेबल एक्टिविटी यानी कि कुछ खुशनुमा एक्टिविटीज करने का एक आ, उसका एक एम हमें देता रहता है टू हैव मैनी ऑफ दीज इज टू बी स्परिचुअली रिच और अगर हमारे पास बहुत सारी इच्छाएं हैं तो हम स्परिचुअली रिच कहलाते हैं ओके ही वॉन्ट्स टू से दैट एन एस्पिरेशन इज अ जॉय फॉर एवर इट इज़ लाइक अ पजेशन एज सॉलिड एज अ लैंडेड स्टेट जैसे कि कोई जायदाद हो उस तरह की चीज़ होती है हमारी इच्छाएँ ठीक है वो हमारे एक पजेशन है हमारे अधिकार में है ठीक है इट इज लाइक अ फॉर्च्यून फॉर्च्यून मीन्स धन ठीक है विच वी कैन नेवर एग्जॉस्ट ये एक ऐसा फॉर्च्यून है ऐसा धन है जो कभी भी खत्म नहीं होगा एग्जॉस्ट मीन्स खत्म हो जाना ठीक है एंड विच अस ईयर बाय ईयर अ रेवेन्यू रेवेन्यू मीन्स इनकम इनकम ऑफ वॉट ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटी ये हमें खुशनुमा लम्हे देने का काम करती है कौन सी चीज़ एस्पिरेशंस यानी कि इच्छा आकांक्षा जो होती है वो हमें एक खुशी देने का जरिया साबित होती है जिसमें या आकांक्षा नहीं है वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कभी उत्सुक होगा ही नहीं ठीक है एंड टू हैव मैनीशन टू बी स्परि रिच और अगर किसी के पास बहुत सारी एस्पिशन लाइफ इज ऑनली ए वेरी डल एंड इल डायरेक्टर थिएटर वी हैव सम इंटरेस्ट इन दीस एंड टू दो आर्ट नॉर साइंस दर्ड इज मियर अरेन्जमेंट ऑफ कलर्स और ए रफ फुट वे वेयर दे में वेरी वेल ब्रेक देअर शिन्स नाउ लाइफ इज ओनली ही सेज दैट लाइफ इज ओनली अ वेरी डल यानी कि बोरिंग लाइफ इज ओनली अ वेरी डल बोरिंग एंड इल डायरेक्टेड थिएटर थिएटर यहाँ आया है ड्रामा के लिए जिंदगी जो है कैसी हो जाएगी एक बहुत ही बोरिंग और इल डायरेक्टर होता है जिसको बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्शन नहीं दिया गया है यानी कि निर्देशित नहीं किया गया है ये उस ड्रामे की तरह हमारी ज़िंदगी हो जाएगी जिस जो कि बहुत बोरिंग है और साथ साथ में जिसका डायरेक्शन भी बिल्कुल अच्छा नहीं है कुछ इस तरह की ज़िंदगी हमारी हो जाएगी कब हो जाएगी अनटेल एनलेस वी हैव समथिंग इंटरेस्टिंग इन इट अगर हमारे पास कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें करने को नहीं होगा तो हमारी जिंदगी एक ऐसे ड्रामे की तरह हो जाएगी जो कि इल डायरेक्टेड है यानी कि जिसका डायरेक्शन बहुत बुरा है और साथ ही साथ जो कि बहुत ही बोरिंग है ओके एंड टू दोज हु हैव नीदर आर्ट नोर साइंस द वर्ड इज मियर अरेंजमेंट ऑफ कलर्स एंड टू दोज हु हैव नीदर आर्ट नॉर साइंस नॉट इंटरेस्टेड इन मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज आर्ट किससे रिलेटेड होती है माइंड से राइट मेंटल एक्टिविटीज़ से और साइंस किससे होती है रिलेटेड फ़िजिकल एक्टिविटीज़ से ओके द वन हु इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन मेंटल और एनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ द वर्ड इज नियर एन अरेंजमेंट ऑफ कलर्स फॉर हिम तो उसको तो संसार कैसा लगेगा जैसे सिर्फ एक कलर्स का अरेंजमेंट कर दिया गया है सिर्फ पर उनमें किसी तरह की हलचल नहीं है सिर्फ जिसे कहते हैं ना चित्र टाइप है ओके okay? जो कि मूव नहीं कर रहे हैं अगर उसको किसी भी तरह की मेंटल फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं है किसी पर्सन को दैट मीन्स हिज लाइफ इज टू बोरिंग ओके व्हाट इज मेयर कर और अ रफ फुटवे या फिर किस तरह का हो जाएगी उसकी ज़िंदगी लाइफ विल बी अ रफ फुटवे उबड़ खाबड़ एक जमीन की तरह हो जाएगी फॉर देम वेयर दे मे वेरी वेल ब्रेक देअर शीन्स शिन क्या होता है शिन होता है द फ्रंट पार्ट ऑफ योर लेग फ्रॉम योर नी टू योर फुट आपके घुटने से लेकर के आपके पैर तक का जो पार्ट होता है आप उसको शिन बोलते हैं ठीक है दैट मीन्स जर्नी ऑफ लाइफ विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैम ओके एंड इट्स गोइंग टू बी रफ वेयर दे मे हर्ट देम सेल्व यानी कि ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में किसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं हैं उनके लिए जिंदगी का सफ़र बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ठीक है जहाँ पर वो अपने आप को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं ओके इट इज़ इन वर्च्यू ऑफ हिज ओन डिज़ायर्स एंड क्यूरियोसिटीज़ दैट एनी मैन कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है ये एग्जिस्ट है ठीक है कॉन्टीन्यू ई एक्स आई एस टी एग्जिस्ट करना ठीक है विद इवन पेशेंस दैट ही इज चार्मय द लुक ऑफ थिंग्स एंड पीपल एंड दैट ही वेकन्स एवरी मॉर्निंग विद अ रिन्यूड एपेटाइट फॉर वर्क एंड प्लेजर नाउ नेक्स्ट द ऑथर सेट इट इज बिकॉज ऑफ डिज़ायर एंड क्यूरियोसिटी दैट एनी मैन कॉन्टीन्यूज टू एग्जिस्ट विद पेशेंस कहना क्या चाह रहे हैं कि सिर्फ डिज़ायर्स और क्यूरियोसिटी की वजह से ही इंसान जो है वो जिंदा रहता है धैर्य के साथ समझ आ रहा है डिज़ायर्स यानी कि इच्छाएं क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकता ठीक है इच्छा और किसी चीज़ को जानने की इच्छा सिर्फ ये दो ही चीज़ें हैं जो कि इंसान को बहुत पेशेंस के साथ जिंदा रखती हैं एग्जिस्ट करना यानी जिंदा रहना इट इज़ बिकॉज ऑफ डिज़ायर्स एंड क्यूरियसिटीज दैट एनी मैन कॉन्टीन्यूज टू एग्जिस्ट विथ पेशेंस इन दो चीज़ों की वजह से ही मैन जो है एग्जिस्ट करता है ठीक है दैट ही इज चार्न बाय द लुक ऑफ थिंग्स एंड पीपल एंड दैट ही वेकन्स

चीज़ों को देखना लुक ऑफ थिंग्स एंड पीपल उसको लोगों चीज़ों और लोगों को देखना अच्छा लगता है प्लीज बाय द लुक ऑफ़ थिंग्स एंड पीपल और इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से हर सुबह वो उठता है एक नई डिज़ायर के साथ अपने काम पर जाते वक्त और इन्हीं होप के साथ कि आज कुछ अच्छा होगा ठीक है डिज़ायर एंड क्यूरियसिटी आर द टू आईज थ्रू विच ही सीज द वर्ड इन मोस्ट एंचांटेड कलर्स डिज़ायर एंड क्यूरियसिटी आर द टू मीडियम्स थ्रू विच ही सीज द वर्ड इन द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटिफुल कलर्स एंचांटेड मीन्स समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग ओके डिज़ायर्स और क्यूरियोसिटी ही ऐसी दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो इस संसार को बहुत ही खूबसूरत रंगों में बहुत ही क्यूरियस सिटी के साथ देखता है ठीक है इट इज़ दे दैट मेक वुमन ब्यूटिफुल एंड फॉसिल्स इंटरेस्टिंग नाउ डिज़ायर एंड क्यूरोसिटी आर द टू आईज दैट मेक वुमेन ब्यूटिफुल सिर्फ डिज़ायर और क्यूरसिटी की वजह से ही एक वुमेन uh, जो है वो ब्यूटिफुल दिखाई देती है एंड इट कैन मेक फॉसिल्स इंटरेस्टिंग और ये फॉसिल्स जो होते हैं ना फॉस फॉसिल्स जो अवशेष उनके होते हैं ना जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं फॉसिल्स उनको भी इंटरेस्टिंग बना देती है कौन सी चीज़ डिज़ायर और क्यूरियोसिटी वो कहते हैं ना ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बीह सुंदरता सुंदरता में होती है देखने वालों की आँखों में होती है ये वो सेम चीज़ ऑथर में कह रहे हैं कि ये ही दो चीजें हैं कौन कौन सी डिजायर और क्यूरियोसिटी जो कि एक वुमन को ब्यूटीफुल बना देती है ठीक है और किसी फॉसिल को भी इंटरेस्टिंग बना सकती है ठीक है फॉसिल अवशेष को कहते हैं एंड मैन may squander his estate and come to beggary but if he keeps these two amulets he is still rich in the possibilities of pleasure next he says that a man may spend his whole estate squander means he spend his whole estate कि चाहे एक व्यक्ति अपनी पूरी विरासत या संपत्ति जितनी भी है स्टेट यहाँ पे संपत्ति के लिए आया है वो अपनी चाहे अपनी पूरी संपत्ति को स्पेंड कर दे ठीक है एंड कम टू बैगरी और चाहे वो भिखारी हो जाए बट लेकिन इफ़ ही केफ दीज टू एमुलेट्स अगर उसके पास ये दो चीज़ें हैं एमुलेट्स का वैसे मीनिंग ताबीज़ होता है ठीक है बट यहाँ पे एमुलेट्स आया किसके लिए है डिज़ायर और क्यूरियसिटी के लिए वो कहता है अगर उसके पास ये दोनों चीज़ें हैं दैट ही इज़ स्टिल रिच इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्लेजर तो वो क्या है पॉसिबिलिटीज ऑफ प्लेजर की वजह से वो आज भी धनमान है फिर चाहे उसकी जो मटेरियल वेल्थ है वो चाहे वो पूरी स्पेंड कर ही क्यों ना दे बट अगर उसके अंदर इच्छा और क्यूरसिटी uh, है तो वो अभी भी रिच ही है ठीक है दैट मीन्स ही कीप्स इफ ही कीप्स डिज़ायर एंड क्यूरियसिटी ही इज स्टिल रिच इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्लेजर क्योंकि जो संभावनाएं हमेशा जिसके साथ जिंदा रहती हैं वो हमेशा उसको खुशी ही देती हैं ठीक है सपोज ही कुड टेक वन मील सो कॉम्पैक्ट एंड कॉम्प्रीहेंसिव दैट ही शुड नेवर हंगर एनी मोर अब आप सपोज कीजिए मान लीजिए ही कुड टेक एनी मील सो कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट होता है जिसको मतलब एकदम दबा दबा कर तो मतलब फुल एकदम फुल करके ठीक है एंड कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स दैट इंक्लूड्स एवरी थिंग सोचो कि अगर वो कोई ऐसा मील मील यानी भोजन ठीक है ना अब मान लीजिए कि वो कोई ऐसा मील ले ले सिंगल मील ओके okay? जो कि बहुत कॉम्पैक्ट है बहुत फुल फुल करके उसने वो मील लिया है और कॉम्प्रिहेंसिव है जिसमें कि सारी चीज़ें उसको एक साथ दे दी गई हैं दैट ही शुड नेवर हंगर उसको इतना ज़्यादा खिला दिया गया कि उसको दोबारा कभी भूख लगेगी नहीं तो क्या वो चीज़ उसको खुशी दे सकती है नहीं सपोज हिम

नॉलेज की उसको सेटिस्फाई भी कर ले कि अब उसको आगे कुछ जानने या देखने की इच्छा ना रहे तो क्या वो इंसान खुश रह सकता है नहीं ओके एंड सपोज हिम टू डू द लाइक इन एनी प्रोविंस ऑफ एक्सपीरियंस और मान लीजिए ऐसा ही वो किसी भी क्षेत्र एक्सपीरियंस के किसी भी क्षेत्र में ऐसा वो करता है जहाँ पर उसको आगे कुछ करने की इच्छा ही ना रहे या अपॉर्चुनिटी ही ना मिले वुड नॉट दैट मैन बी इन अ पुअर वे फॉर अम्यूजमेंट इवन आफ्टर ही सेज दैट एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ़ दिस ही विल नॉट हैव एनी थिंग टू लुक फॉरवर्ड तो उसके पास आगे देखने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं अगर वो सब चीज़ें खत्म ही हो जाएंगी ओके एंड ऑल द सोर्सेज ऑफ एम्यूजमेंट विल बी ओवर फॉर हिम यानी कि खुश रहने के अपने आप को प्रसन्न करने के खुश करने के अम्यूज़मेंट के सारे सोर्सेज उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे अगर वो एक ही चीज एक ही बार में वो सारी चीजें उसके साथ हो जाए तो ठीक है वन हु गो स्टोरिंग ऑन फुट विद अ सिंगल वॉल्यूम इन हिज नैप सेक रीड विद सरकमस्क्रैप्शन पॉजिंग ऑफन टू रिफ्लेक्ट एंड ऑफन लेइंग द बुक टू कंटेम्पलेट द लैंडस्केप एंड और द प्रिट्स इन द इन इन द इन यहाँ इन आएगा आई डबल एन इन पार्लर ओके दोनों डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं आई डबल एन इन पार्लर फॉर ही फियर्स टू कम टू द एंड ऑफ हिज एंटरटेनमेंट एंड बी लेफ्ट कम्पेन यास ऑन द लास्ट स्टेजेस ऑफ हिज जर्नी नाउ अदर सेज दैट वन हु ट्रेवल्स ऑन फूट एक आदमी जो कि ट्रैवल कर रहा है कैसे ऑन फूट पैदल पैदल विद अ सिंगल बुक इन हिज बैक पैक उसके झोले में क्या है सिर्फ एक सिंगल किताब है उसके साथ उसकी जर्नी में ओके ही रीड्स इट विथ सर्कम्स्पेक्शन सर्कमस्पेक्शन क्या होता है बहुत ही एहतियात के साथ वो उसको पढ़ता है बहुत ही एहतियात के साथ वो उस सिंगल बुक को पढ़ता है पॉजिंग ऑफन टू रिफ्लेक्ट ही पॉजेज पॉजेज यानी रुकना ठहराव ओके ही पॉजेज ऑफन टू रिफ्लेक्ट यानी चिंतन करने के लिए रुकता है एंड ऑफन ले द बुक टू कंटेम्पलेट द लैंडस्केप और द प्रिंस इन द इन पार्लर एंड ही लेज डाउन द बुक और वो बीच बीच में बुक को रख भी देता है टू कंटेम्पलेट द लैंडस्केप ताकि वो अपने आसपास का जो लैंडस्केप है आ, उसको कंटेम्पलेट यानी उस पर चिंतन कर सके ठीक है और ही पॉजिज या फिर वो किस लिए रुकता है टू थिंक अबाउट द प्रिंट्स इन द इन पार्लर जो जहाँ पर वो रस्ते में इन क्या होता है सराय जिसको बोलते हैं ना आई डबल एन इन पार्लर ठीक है इन वो होती थी जहाँ पर ट्रैवलर जो पहले ज़माने में ना इन में ट्रैवल करते वक्त बीच में रुका करते थे ठीक है उसको सराय बोलते थे तो वो किस लिए रुकता है टू तो थिंक अबाउट द प्रिंस इन द इन पार्लर बिकॉज ही फीयर्स टू कम टू एन एंड ऑफ हिज बुक क्योंकि वो डर रहा है कि उसकी बुक कहीं ख़त्म ना हो जाए विच इज हिज कम्पेनियन इन इन हिज जर्नी जो कि उसको उस यात्रा में उसका एकमात्र साथ ही है ओके okay? इसलिए वो बीच में दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है ताकि उसकी बुक ख़त्म ना हो जाए क्योंकि वो एक सिंगल कम्पेनियन है उसका इस जर्नी में ठीक है अंग फैलो रिसेंटली फिनिश द वर्ड्स ऑफ थॉमस कार्लिल वाइंडिंग अप इफ वी रिमेम्बर राइट With the ten more books upon Frederick the Great, what cried the young fellow in concentration? Consternation, sorry, consternation. In is there no more Carlyle? So he now he is giving an example of a young fellow. He says that a young fellow recently finished the works of Thomas Carlyle. Thomas Carlyle was a famous essayist and a historian. Okay, and his best book was History of Frederick the Great. नो, ही दैट अ यंग फेलो एक यंग मैन ने अभी रिसेंटली क्या फिनिश किया थॉमस कार्लिल का एक वर्क था द टेन बुक्स थी किसके ऊपर लिखी हुई फ्रेडरिक द ग्रेट द हिस्ट्री ऑफ फ्रेडरिक द ग्रेट और उसने वो रिस, रिसेंटली फिनिश कर दी ओके दैन ही शॉटेड इन टेरर फिर वो टेरर के साथ चिल्लाया क्या इज देर नो मोर कार्लिल क्या अब कोई भी कार्लिल का कोई भी वर्क अब नहीं बचा है पढ़ने लायक क्योंकि उसने वो सारा वर्क उसका फिनिश कर दिया और वो इतना अच्छा था कि वो नहीं चाहता था कि वो ख़त्म हो ठीक है एम आई लेफ्ट टू द डेली पेपर्स क्या मुझे डेली पेपर्स ही पढ़ने पड़ेंगे ओके बिकॉज वो उस बुक्स को पढ़ने में वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था कि वो नहीं चाहता था कि वो खत्म हो जाए ठीक है

ठीक है ये दूसरा एग्जाम्पल वो दे रहे हैं और एक और एग्जाम्पल हम ये ऑथर दे रहे हैं एंड व्हेन गिबन हैड फिनिश द डिक्लाइन एंड फॉल ही हैड ओनली अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ जॉय एंड इट वाज विद द सोबर मेलनकोली दैट ही पार्टेड फ्रॉम हिज लेबर्स एंड व्हेन गिबन फिनिश्ड हिज हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एंपायर ये बुक वो लिख रहे थे जो ही इन्जॉयड ओ ओ ओनली फ्यू मोमेंट्स ऑफ जॉय अब उन्होंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए तो बहुत खुशी मिली उनको बट ही वॉज सैड दैट ही वॉज नाओ फ्री फ्रॉम हिज हार्ड वर्क दैट नाओ ही वॉज़ फ्री फ्रॉम हिज लेबर पर वो दुखी हो गए थे इस बात को सोच के कि अब उनके पास करने को कुछ नहीं होगा ओके वी विल कंटिन्यू अवर ऐसे इन अवर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू